अब चूंकि निज़ाम बदल गया है तो आज छुट्टी भी नहीं करार दी गई, किस तरह से आज के दिन को इसको देखते हैं? देखिए, आज ये तो सबको पता है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो है इतने कदावर लीडर थे, सिर्फ हिंदुस्तान में उनका नाम नहीं था बल्कि पूरे वर्ल्ड में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के नाम को जाना जाता था। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे वो तालीमी शोबा हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, उन्होंने एक और शेर कश्मीर का नाम हर एक के दिल में, हर एक की ज़ुबान पे जो है वो आज भी मौजूद है। और शायद ही मुझे लगता है कि कोई इस तरह के लीडर होंगे जिनको इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से आज भी लोग याद करते हैं। सकीना जी, विंटर वेकेशन का प्रपोजल आया है आपके पास, क्या कुछ उस पे हो रहा है, कब तक छुट्टियों की एक्सपेक्टेशंस होगी? देखिए, विंटर वेकेशन ये तो एक रूटीन मैटर है, हर विंटर में छुट्टियां पड़ जाती हैं और इस विंटर में भी पड़ेंगी। लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम्स पहले मार्च में किए गए उनको अब अक्टूबर नवंबर में लिया गया, नवंबर दिसंबर में, तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें। वो ठंड आज बहुत है, हद से ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड मेरे ख्याल से चिल्लेकलान में भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द नए क्लासेस शुरू करके विंटर वेकेशन जो है वो शुरू करें। एनुअल फीस के हवाले से अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी ऐसे हैं जो कि लूटते हैं पेरेंट्स को, क्या इस हवाले से कोई कदम उठाया जाएगा ताकि एनुअल फीस? नहीं, देखिए, हमने ऑलरेडी जो है उसके लिए रूल मुकर्रर किए हुए हैं, उसके लिए नॉर्म्स मुकर्रर किए हुए हैं। अब अगर कोई पेरेंट लूटा जा रहा है, उस पेरेंट को मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करती हूँ आके कंप्लेंट करे, क्योंकि कोई भी जो है इंसान है वो रूल से बाहर नहीं है, नॉर्म से बाहर नहीं है, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान हो। अगर उनको कहीं पे लगता है कोई भी शिकायत हो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, आके कंप्लेंट करें, मेरे पास करें, डिपार्टमेंट के पास करें, और हम उस इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हमने पहले ही कहा है जो भी रूल से प्राइवेट स्कूल बाहर जाएगा उस प्राइवेट स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। एक तो बातें ऐसे बोलने होते हैं, प्रेस में, फेसबुक्स में बयानबाजी करने होते हैं, अपने आप को मीडिया में लाना होता है, वो अलग बात है। क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म करते हो, अगर वो क्रिटिसिज्म आप सही साबित करते हो, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस पर एक्शन करूँगी, लेकिन मुझे आके कंप्लेंट दर्ज करवाई। ऐसे फेसबुक पे कहने से आप मीडिया में जाएंगे, फिर आपके चैनल में, किसी और के चैनल में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आप प्रूफ ला के दीजिए, एक्शन करना हमारा काम होगा। शुक्रिया।